तो हेलो गाइज, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे रतन इंडिया पावर के शेयर के बारे में, जो एक पेनी स्टॉक बन गया और अच्छा खासा गिरावट के बाद में अभी मोमेंटम ग्रीन की ओर देखने को मिलता है इसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज दोस्तों हम बात करेंगे, करीबन इसका हाई था 8 रुपये 50 पैसे, वहाँ से ये स्टॉक गिर के अभी करंट प्राइस देखे तो 5 रुपये 75 पैसे पे आके रुक गया, ठीक है। और बात करें शुक्रवार के दिन के ओपन की, तो लगभग 5 रुपये 85 पैसे पे ओपन हुआ और हाई गया 5 रुपये 90 पैसे और लो आया 5 रुपये 55 पैसा, ठीक है। और करीबन देखे तो लगभग ये स्टॉक ने प्रीवियस क्लोजिंग में क्लोजिंग दिया है, ठीक है, तो कोई बड़ी नहीं है, ठीक है। अभी ये स्टॉक क्या और गिरेगा? नहीं दोस्तों, अभी जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी, ठीक है। रतन इंडिया का शेयर है तो पेनी स्टॉक है, जो गिरावट होनी थी वो हो चुकी। बाद 5 दिन की गिरे, लगभग 5 दिन में भी इसने 2.5% का नेगेटिव रिटर्न निकाल के दिया है दोस्तों। और मंथली का देखे, लगभग 1 मंथ में 6.5% का रिटर्न इसने कमा के दिया है, ठीक है। और बाद 6 मंथ की देखे तो लगभग 6 मंथ में 36-37% का रिटर्न निकाल के दे दिया, ठीक है। और बाद 1 वर्ष की गिरे, लगभग 116% देखे रिटर्न कमा के दिया है। और बाद 5 वर्ष की गिरे, लगभग 30% के आसपास गिरावट देखने को हमें मिलती हुई नज़र आती है। बाद ऑल टाइम की गिरे, लगभग 85-86% के आसपास गिरावट देखने को मिल जाती है। तो आप लोग 1 मंथ की चार्ट पैटर्न देख पा रहे होंगे दोस्तों। तो पहले ये करीबन 5 रुपये 10 पैसे पे लो आया, और इसका लो देखे तो करीबन दोस्तों कोई इतना बड़ा लो नहीं है, जो 5 रुपये 20 पैसे के आसपास लो आया है। इससे मतलब ये साजिश होता है कि ये इससे ज़्यादा नहीं गिरने वाला, और 5 रुपये 20 पैसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है थी इसकी, जो वहाँ आके रुक गई। और करीबन देखे तो 5 रुपये 15 पैसे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आती है। अब दोस्तों बात करें कि फ्यूचर में ये अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है कि नहीं, नहीं दे सकता, तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, ठीक है दोस्तों। तो कुछ लोगों ने हाई प्राइस पे बाय किया है, 8 रुपये के आसपास, जो करीबन इसने हाई दिया था दोस्तों 8.5 रुपये के आसपास, कुछ लोगों ने यहाँ पे भी बाय किया। तो उन लोगों को मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप दोस्तों डरिए ना, जो अब दो मतलब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा था, कुछ मार्केट क्रैश हुआ था, आपको भी पता है पिछले अच्छे खासे मार्केट क्रैश चला, उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है, और कोई ज़्यादा गिरावट नहीं हुई। 1 मंथ की देखे तो लगभग मंथली के अंदर भी रिटर्न अभी भी 36-37% मंथली के अंदर भी 6-7% का रिटर्न इसका अभी तक भी पड़ा है, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा गिरावट नहीं होने वाले। स्टॉक है जो एक क्या कर रहा है, अभी एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, ठीक है। रेंज में जो स्टॉक चल रहा हो ना, तो उसको फट बाय कर लेना चाहिए, और जब तक बाय ना करो जब तक ग्रीन की ओर वापस मोमेंटम ना बढ़ जाए। ग्रीन की ओर जैसे मोमेंटम करता है तो आप लोग इसको बिंदास होकर बाय कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है ये स्टॉक। देगा क्या? देना पड़ेगा इसको। रतन इंडिया का पावर सेक्टर है, पेनी स्टॉक है, तो पेनी स्टॉक जाहिर सी बात है दोस्तों कुछ टाइम होल्ड बना के रखना पड़ता है, जैसे साल 2 साल, तो कम से कम मान के चलिए 2 साल अगर आप होल्ड कर लेते हो तो 50+ हुआ जाते नज़र आ जाएगा। अच्छा स्टॉक है, डेट फ्री कंपनी है, मार्केट के की बात करें लगभग 316% का 316 करोड़ का मार्केट के जो अच्छा खासा निकल के आता है, तो पॉजिटिव पॉइंट है। प्रमोटरों की होल्डिंग भी अच्छी खासी इसके अंदर होल्डिंग बना के रखी है, तो क्या इसको अभी बाय करना चाहिए? और 12वीं का हाई देखे तो लगभग 9 रुपये 70 पैसे है, और लो आया था 2 रुपये 40 पैसे, तो इससे ज़्यादा बात है एक 5 रुपये के ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जिसकी वजह से 5 रुपये से ज़्यादा अभी नहीं गिरने वाला, 5-5.5 रुपये से ज़्यादा ये स्टॉक नहीं गिरने वाला। आप लोग चाहते हो अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करना, तो बिल्कुल अपने 5% या 10% अमाउंट इसके अंदर ऐड कर सकते हो आप लोग, क्योंकि अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है ये स्टॉक आने वाले फ्यूचर के अंदर। रतन इंडिया का स्टॉक है तो आप खुद भी सोच सकते हो कि आने वाले फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न कमा के दे सकता है। तो उस पेनी स्टॉक का नाम आप देख लिए होंगे, रतन इंडिया पावर, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, जो लोग चैनल से नए जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।